सब यही का है? सारा यही का है। कैसा इस बार बाजार उजार कैसा है? बाजार तो हर साल से काफी भीड़ है। अच्छा। वो तो भीड़ देखने को मिलता है कि जो है कैसा है। बहुत बढ़िया है, हर साल से अच्छा है, बहुत बढ़िया। 100 मीटर का है लड़ी। अच्छा। जो कि ये झिकमिक कर जलते रहता है ये सब है। 400 का है। कब से आप यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं? हम तो सर 25 साल से लगा रहे हैं मार्केट में, क्योंकि शॉपिंग बहुत जोरों से चल रही है, तो इट्स क्वाइट गुड। हाँ, मतलब बहुत सारी नई चीजें हैं जो कि पहले मतलब कम मात्रा में अवेलेबल। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। दीपावली तो त्योहार ही है घर सजाने का, दीप जलाने का, तो उसमें तो खरीदारी का अलग ही मजा है। नमस्कार। देखिए, दीपावली सर पे है, बस कुछ ही दिन और रह गया है, उसी का रौनक देखने को मिल रहा है। मैं अभी मौजूद हूँ पटना के चांदनी चौक में, और देख सकते हैं काफ़ी तरह के नए नए वैराइटीज़ की लाइटिंग है, झालर है, जो घरों में सजाने के लिए तमाम तरह के शॉप पे, ये चांदनी चौक के मॉडल। कहाँ पे आपका शॉप है? नया नया मॉडल का लाए हुए हैं सारा वैराइटीज़। ये चांदनी मार्केट गेट नंबर 1 नियर सिटी लाइट इलेक्ट्रिकल्स के सामने है। इस बार क्या क्या नया लाइट है आप? इसमें नया लाइट टमाटर आया है। अच्छा। जो कि कैंडल के नाम पर दीपावली में दीपोत्सव करते हैं। उसके बाद ये है गुलाब कमल है, और तोरण वगैरह है, और इसमें सबसे लेटेस्ट है जो मूविंग है, मूविंग दीप है। दीप, हाँ, मूविंग दीप सबसे लेटेस्ट आइटम। ये सब कहाँ, इंडियन है कि बाहर? नहीं नहीं, सारा इंडियन, नो चाइनीज। मतलब अपने देश का सारा है? जी, सारा अपना देश का है। जागो भारत, जगाओ भारत को। मतलब चाइना का जो विरोध होता था वो इस बार? नहीं, इस बार कुछ नहीं, चाइना का आइटम नहीं है। नहीं नहीं, सब यही का है, सारा यही का है। कैसा इस बार बाजार उजार कैसा है? बाजार तो हर साल से काफी भीड़ है। अच्छा। वो तो भीड़ देखने को मिलता है कि जो है कैसा है। बहुत बढ़िया है, हर साल से अच्छा है, बहुत बढ़िया है। कब तक बाजार, कब से चलता है लास्ट? ये दो एक सप्ताह का बाजार रहता है, दीपावली दिन तक के। कितना दिन से तैयारी करते हैं? हम लोग तो सालों भर से तैयारी करते हैं, इंतजार रहता है कि कब मौका मिले ताकि हम लोग वहाँ आ जाए। कुछ हल्लागड़ी नगर निगम के वजह से हम लोग डिस्टर्ब हो गए थे। अच्छा, नगर निगम वजह से कुछ बाजार आप लोग का खराब हो रहा है? खराब हो रहा था। लेकिन क्या मांग करिएगा आप सरकार से? तो सरकार से मांग करेंगे कि जो ही 2-3 दिन का मोहलत दिया जाए, तो कि हम लोग गरीब कर्ज गुआम लेकर के जो बिजनेस में लगाए हैं उससे राहत मिले। क्या क्या रेट का यहाँ पर लाइटिंग वगैरह होगा, झालर उलर? सर, झालर सबसे कम का है 30 रुपया से स्टार्ट है। 30 रुपया से? जी, ओनली इतना महंगाई में भी 30 रुपया? जी हाँ, 30 रुपया में 15 मीटर का लड़ी है। अच्छा। उसके बाद 400 में 100 मीटर का है लड़ी। अच्छा। जो कि ये झिकमिक कर जलते रहता है ये सब है। 400 का है। कब से आप यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं? हम तो सर 25 साल से लगा रहे हैं। 25 साल? जी। अगर कोई आना चाहे आपके पास अभी दिवाली का खरीदारी करने के लिए, तो कहाँ पर आ जाए आपके पास? ये चांदनी मार्केट सिटी लाइट के सामने, चांदनी चौक। जी, चांदनी मार्केट पटना जंक्शन। जी सर। कहीं कहाँ कहाँ आपका माल जाता है? पूरे बिहार में जाता है। होलसेल का दुकान है? जी, होलसेल रेट में खुदरा माल बेच रहे हैं। चलिए, होलसेल रेट में खुदरा ये है 25 रुपए पीस, 20 रुपए बेच रहे हैं। और ये सब जो है तुरंत देखिए। हाँ। ये सबसे नया है ये वाला। हाँ। ये देखिए, ये 200-150 का जोड़ा बेचते हैं। अच्छा, ये चलिए। हाँ जी, 150 का जोड़ा, जो कि ये पूरा पटना में कहीं नहीं मिलेगा ये आइटम। आप ही के पास है ये? मेरे आइटम, बहुत सा आइटम ऐसा है जो इन्हीं के पास मिलेगा। आप आकर एक बार यहाँ विजिट करिए। दिवाली को जो घर सजाने के लिए तैयारी करते हैं, लाइटिंग है, झालर है, तमाम तरह का यहाँ पे सजाने के लिए व्यवस्था है, लाइटिंग का, और कम रेट में, होलसेल रेट में आपको खुदरा सामान यहाँ पर मिल जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बसंत कुमार है। अच्छा, मतलब यहाँ 25 साल से? जी जी हाँ। बाजार ठीक है? बाजार ठीक है। चलिए ठीक है, बारिश भी हुआ फिर भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लोगों में उत्साह है। हाँ, उत्साह है। दिवाली की शुभकामनाएं अभी आप दे दीजिए। हार्दिक दिल से सभी दीपावली में आए हुए जितने भी ग्राहक है या दीपोत्सव करने वाले हैं, सबको धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। कैसा लग रहा है इस बार दिवाली का लाइटिंग वगैरह का? क्या लाइटिंग तो बहुत अच्छा लगा हुआ है सब।
बढ़िया बढ़िया लगा हुआ है सर। अभी तो कई दिन अभी आए हैं सर, हाँ पटना सिटी से अभी आए हैं। लग रहा है हाँ कुछ नया तरह का लग रहा है। नया तरह का है जी। हाँ सर, लाइटिंग का बड़ा महत्व है दीपावली में जी। पहले दीप मिट्टी का होता था, आजकल यही चाइनीज आइटम का ही है जी सर। इस बार आप चाइनीज का ले रहे हैं कि भारतीय ले रहे हैं? सोच रहे हैं इंडियन ही लेने का सर। हाँ जी। कहाँ से आते हैं? पटना सिटी से आए। अनिशु शर्मा। कैसा लग रहा है इसमें लाइटिंग वगैरह का? फिलहाल तो बहुत अच्छा लग रहा है। दिवाली हमेशा ही अच्छा होता है, दिवाली छठ हमारे बिहारियों के लिए, तो बहुत मज़ा आ रहा है। भीड़ बहुत है मार्केट में क्योंकि शॉपिंग बहुत ज़ोरों से चल रही है, तो इट्स क्वाइट गुड। क्या क्या खास देख रहे हैं लाइटिंग वगैरह, सजाने उजाने का, घर सजाने का? हाँ मतलब बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो कि पहले मतलब कम मात्रा में अवेलेबल होती थी, अभी बहुत सारी नई चीज़ें हैं। लाइटिंग्स भी नई नई हैं, डेकोरेशन की चीज़ें भी बहुत नई नई हैं जो कि आजकल मार्केट में अवेलेबल यहाँ पटना में बहुत कम मिलती थी, अभी बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, तो इट्स क्वाइट। अरे बहुत ज़्यादा रहता है, और ऐसा तो ऐसा है हमारे साथ कि बाहर कमाने के लिए आप बाहर चले जाते हो नौकरी के पर्पज़ से या जैसे भी, सबकी ज़िंदगी बहुत शोरों वाली है। दिवाली और छठ जो है वो हम बिहारियों के लिए ये इट्स लाइक ऑलवेज फैसिनेटिंग, ऑलवेज कहते ना बंच ऑफ हैप्पीनेस, बंडल ऑफ हैप्पीनेस टुगेदर, सो या इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। ऐसे तो पटना से ही है, पटना जिला से ही है, पर रहना का बहुत कम हो पाता। कैसा दीपावली का लग रहा है लाइटिंग वगैरह इस बार, कैसा कैसा साल की तरह इस बार भी दीपावली का अच्छा? लाइटिंग वाइटिंग कुछ अलग आया है? और मिट्टी का दिया, पानी वाला दिया, सभी है। कैसा लग रहा है सर इस बार का लाइटिंग वगैरह? जो बढ़िया लग रहा है। कैसा कैसा लाइटिंग, कुछ अलग? कुछ अलग हाँ, कुछ बहुत सारा अलग है, जिसमें एक आया हुआ है पानी वाला, पानी का भी दिया आया हुआ है जिसमें पानी देखे। दीपावली में लाइटिंग का बड़ा महत्व है क्या? ये महत्व है, हम लोग दिया से भी जलाते हैं और इसका भी यूज करते हैं, दोनों यूज करते हैं। हाँ घर सजाने के लिए। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। खुशबू पटना से। कैसे लाइटिंग वगैरह दिवाली का लग रहा है? बहुत बढ़िया है यहाँ सब कुछ, मतलब पूरा मार्केट जगमग कर रहा है, सब कुछ देखने में बहुत अच्छा है। घर सजाने का दीपावली में उत्साह कैसा रहता है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। दीपावली तो त्योहार ही है, घर सजाने का, दीप जलाने का, तो उसमें तो खरीदारी का अलग ही मजा है। लाइटिंग का क्या महत्व है? खूबसूरत घर सजता है लाइटिंग वगैरह का? लाइटिंग तो बिना लाइट के तो दीपावली है ही नहीं, जब तक लाइट नहीं है तब तक दीपावली नहीं, तो लाइट आप इस मार्केट में यहाँ पे लाइट इतना अच्छा अच्छा लाइट है अभी, तो खरीदारी करने में भी अच्छा लग रहा है और घर सजाने में। इस साल कैसा लाइटिंग है, अलग है? अभी तो मैं इस मार्केट में पहली बार आई हूँ तो अच्छा ही लग रहा है। हाँ बहुत बढ़िया है सब कुछ।